जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड करेंगे। गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे। फोरकास्ट से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप मेरे साथ कॉपी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक होगा, आपने उस FXOTP पे अकाउंट ओपन करने हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद फिर आपने डिपॉजिट करना है, फिर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें या फिर आपने कॉपी ट्रेडिंग वाली वीडियो देख लेनी है किस तरह से आपने अपना अकाउंट अटैच करना है। अकाउंट अटैच करने के बाद मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपको कॉपी ट्रेड वाले अकाउंट में ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी SMC का जो फर्स्ट वेबिनार था ये मैंने कल दिया, YouTube पे वीडियो अवेलेबल है, ये आप लेवल देख लो, ठीक है। तो ये देखो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको इंट्री फाइंड करना आ जाएगी। गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे। फोरकास्ट में ये आप देखें, ये BMS हुआ, मार्केट अब ट्रेंड चली गई, यहाँ पे BMS हुआ, मैंने सॉरी MMS दिया, तो यहाँ पे मैं BMS लिख देता हूँ, ये गलती हो गई थी। तो जैसे ही यहाँ पे BMS हुआ हमारे पास, तो ये हमारे पास लो कन्फर्म था, और कन्फर्म लो जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास MSS बन गया। मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ पे। OT यहाँ पे है 78.6 फिबो का एरिया है, उसे मैं OT का नाम देता हूँ। उसके बाद ये एक लिक्विडिटी का एरिया है, मार्केट लिक्विडिटी यहाँ से लेगी और लोगों को ट्रैप करेगी, लोग समझेंगे इसी जगह से डाउन गिरेगा, लेकिन नहीं, ये आपका एक सप्लाई जोन ठहर रहा है जिसे आप ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो। पहली बात, ये सप्लाई जोन से ही गिर जाएगा, अगर ना गिरा तो ये हाई लेगा, जो कि मैंने BSL का बाय साइड लिक्विडिटी लेगा। मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी के बाद फिर मार्केट जब वापस आएगी, ठीक है, अंदर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगी रीटेस्ट के बाद, यहाँ पे जो रीटेस्ट बनेगा ये फीबो का पॉइंट बनेगा 78.6। ये कैसे पता लगेगा हमें, जब हम ये इस हाई से जैसी एक अच्छी स्पाइक वाली कैंडल डाउन बनेगी हम फीबो लगा लेंगे, और ये एरिया है 78.6 का। मार्केट जब रीटेस्ट करेगी 78.6 से, तो फिर हम इस पॉइंट से करेंगे सेल और मार्केट को हम देखेंगे डाउन की तरफ, ठीक है। ये होता है एक इंट्री लेने का मॉडल, इंट्री लेने का तरीकाकार, ठीक है। अब हम इस जगह से MSS तो नहीं देख सकते, क्योंकि MSS तो यहाँ पे हो गया और मार्केट ना अच्छी खासी ऊपर चलेगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी है। ये आप पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट की, उसको लेगी लिक्विडिटी लेने के बाद ऑर्डर ब्लॉक से, या फिर ये बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद फिर मार्केट ड्रॉप देगी, ठीक है। और अगर मैं प्राइस एक्शन से हवाले से कहूँ, सिंपल मैं चार्ट चेंज कर रहा हूँ ताकि ये प्राइस एक्शन वालों के मुताबिक मैं आपको बता सकूँ कि क्या प्लान है। अब देखें H1 का चार्ट है, प्राइस एक्शन क्या करते हैं, RSI इंडिकेटर लगाएंगे। RSI इंडिकेटर लगाने के बाद वो ये देखेंगे कि भाई आप लोग, ये आपका डबल टॉप होगा यहाँ पे, ठीक है ना, और डबल टॉप पे जैसे ही मार्केट पहुँचेगी तो हमने यहाँ से डाउन देखना है। क्यों देखना है, इसी जगह मैं आपको RSI का इंडिकेटर लगा देता हूँ। सिंपल बात है, ये हमारे पास RSI इंडिकेटर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ये ब्लैक रख देंगे इसका कलर, और अब देखें हमने जो फॉलो करना है वो ब्लू लाइन को करना है, ब्लैक वाले को नहीं करना है। अब ब्लू लाइन में क्या हो रहा है कि मार्केट डाइवर्जेंस आपको दिखाएगी। H1 का एरिया है, इस जगह से लेके अगर हम बराबर देखें तो ये बनता है, लेकिन ये देखें अगर, तो अगर मार्केट ऊपर जाती है ये डबल टॉप बनाएगी, और RSI का इंडिकेटर ये आपको यूं डाउन दिखाए, तो ये आपके पास क्या होगी, रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस बनेगी। तो रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंस को फॉलो करते हुए गोल्ड जो है वो डाउन की तरफ आ सकता है। कोशिश करें या तो डबल टॉप से एंट्री लें, या ये हाई आप मार्केट को उड़ाने दें। अब सवाल ये आता है, एक और सवाल आता है कि भाई आप TP कहाँ पे रखेंगे। TP जो है, अब देखो ये पॉइंट है, अगर आप इसको लेके चलते हो, ये दो पॉइंट टच हो रहे हैं, तो सिंपल ट्रेंड लाइन है, और इस एरिया से आपका TP ये ट्रेंड लाइन वाला ही बनेगा, 2473 या 75 का एरिया बनेगा। लेकिन इतना जल्दी मार्केट नहीं आती नीचे तक, जब तक कोई फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। YouTube चैनल पे जाओगे तो सबसे पहले ये वेबिनार वाली SMC की वीडियो ठहरी है, ये आपने देखनी है, 46 मिनट की है, 46 मिनट्स की, एक मिनट भी आपने स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आप इंट्री ले सको तो लेना सीखना है, तो उसके बाद DOOPRIME पे आओ, आप अकाउंट बनाओ, 20% बोनस मिलेगा,
ठीक है ना, और मेरी आई पी के अंडर आपका अकाउंट होगा तो मैं आपको अपने प्रीमियम में ऐड कर दूंगा। प्रीमियम में डेली एक सिग्नल देता हूँ, एक ट्रेड डेली मैं कराता हूँ, वो एसएल भी होती है, वो हमारा टीपी भी होता है। ये फ्राइडे की ट्रेड है, यहाँ पे मेरा एसएल हो गया था, ये आप चेक करो गोल्ड का, यहाँ पे मेरा एसएल हुआ और फिर उसके बाद मैं कोई ट्रेड करवाई ही नहीं। एक ट्रेड करवाता हूँ न्यूयॉर्क सेशन में या लंदन सेशन में, और मेरे जो दोस्त होते हैं जहाँ पे दोस्त अहबाब हैं प्रीमियम में, वो इन्जॉय करते हैं इस ट्रेड को। ठीक हो गया, प्रीमियम में ऐड होना है तो मेरे आई बी के अंडर आओ। और किन ब्रोकर के साथ मैं काम कर रहा हूँ, एक डू प्राइम के साथ काम करता हूँ और दूसरा ये FXOTP के साथ। कॉपी ट्रेडिंग करनी है तो आपने FXOTP के ऊपर इस वीडियो पे क्लिक करना है, आपको तमाम तरीका कार पता चल जाएगा कि भाई हमने किस तरह से कॉपी ट्रेडिंग करनी है। FXOTP पे अकाउंट ओपन करना है तो ये वीडियो है FXOTP ब्रोकर, फुल रिव्यू इन डिटेल, क्रिएट अकाउंट, वेरीफाई KYC एंड डिपॉजिट। ठीक हो गया, तो बाकी डेली गोल्ड की फोरकास्ट देखा करें तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा। एक एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मैंने एनालिसिस किस तरह से किए। हालांकि लोग जो हैं, एक तो वो डबल साइड आपको एनालिसिस देते हैं, बाय भी सेल भी, लेकिन मेरा चैनल वाहिद है जो कि आपको वन साइड एनालिसिस देगा और एक एक चीज़ बताएगा कि किस तरह से हमने मार्केट को एनालाइज किया है। आप ऐसा कोई और चैनल दिखा दे जिसमें आपको ये बता रहा हो कि ये MSS क्यों आया, ये BMS क्यों आया, ये BSL क्यों आया, ये ऑटो ब्लॉक क्यों आया, ये OT किसको कहते हैं, ये तमाम चीज़ें सिर्फ मैं बताता हूँ, बाकी कोई भी नहीं बता रहा अपनी फोरकास्ट में। सारे तुक्के ट्रेडर कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो बाय होगा, ये लेवल ब्रेक हुआ तो सेल होगा। इस तरह के मैं भी फोरकास्ट दे सकता था और शुरू मैं भी ऐसे ही देता था जब मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर था, लेकिन जैसे ही मैं SMC में आया तो फिर मैं वन डायरेक्शन एनालिसिस देने लगा। और बाकी अगर आपने SMC कोर्स करना है तो इस वीडियो के टॉप पे आपको मेरा नंबर लिखा नज़र आ रहा होगा, पेड मेंटरशिप देता हूँ, आपने मुझसे पेड मेंटरशिप लेनी है। अगर किसी को ज़रूरत है तो SMC सिखाऊंगा, प्रॉफिटेबल बनाऊंगा। सिखाता सब कुछ है, यानी कि हर बंदा सिखाने में लगा है लेकिन स्ट्रैटेजी कोई नहीं कराता। हर बंदा फुल कोर्स करा रहा है, स्ट्रैटेजी कोई नहीं कराता कि भाई आपको कम से कम एक स्ट्रैटेजी पे हाथ मजबूत कराएं, आपको प्रॉफिटेबल बनाएं, आपके अंदर से डर ख़त्म करें ट्रेड लगाने का डर ख़त्म करना, स्ट्रैटेजी सिखाना, प्रॉफिटेबल बनाना, ये मेरा काम है। ठीक है, आप SMC ट्रेडर हो लेकिन नुकसान में हो, वो इसलिए नुकसान में हो क्योंकि आपको अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया गया। मेंटोरशिप तो ले लिया आपने, अगले ने पैसे लेके आपको लेक्चर भी दे दिए। मसला यहाँ पे आता है कि भाई कोर्स तो उसने कंप्लीट करा लिया, उसने अपनी तरफ से मुकम्मल मेहनत की, मुकम्मल टाइम लगाया, आपको सिखाया, मीन के सिखाने से मुराद कंप्लीट कोर्स कराया। गलती कहाँ पे आई है, वहाँ पे जब आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं सिखाई गई कि भाई कोर्स तो हमने सब कर लिया, हम काम किस पे करें। आप बुक का सिलेबस पूरा करते हो लेकिन पेपर के लिए कुछ चैप्टर याद करते हो कि भाई इस चैप्टर में आएगा। इसी तरह से फॉरेक्स के कंटेंट सारा पढ़ना होता है लेकिन काम हमने 2-3 कंटेंट के ऊपर करना होता है, फिर जाके हम प्रॉफिटेबल बनते हैं। ठीक हो गया, स्ट्रैटेजी सीखनी है, खुद के अंदर से डर ख़त्म करना है तो मेरी मेंटोरशिप लो। हफ्ता और एतवार क्लास हुआ करेगी, ठीक है ना, 2-3 महीने के वैसे क्लास होती है, लेकिन जब तक आप सीख नहीं जाओगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। अपना डिस्कॉर्ड के ऊपर प्राइवेट चैनल होगा, ठीक है ना, जहाँ पे मेरे पेड मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट्स होंगे और डिस्कॉर्ड पे के ऊपर ही आगे मेरे आने वाली सारी कम्युनिटी होगी। ठीक हो गया, वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना है, दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो जो चीज़ आपको समझ नहीं आई। और वन साइड एनालिसिस हैं, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है जहाँ पे मैंने फर्स्ट TP अपना रखा है कि मैं मार्केट को इस एरिया तक देख रहा हूँ। अगर BSL के बाद मार्केट डाउन नहीं आती तो फिर ऊपर चली जाएगी, तो मैं बाय की ट्रेड नहीं दे रहा, मैं वन साइड ट्रेड दे रहा हूँ कि मैं सेल करूँगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इख्तलाफ राय रख सकते हैं।